दोस्तों, ये हमारा सवाल है 2018 यूपीएससी प्री का, ठीक है। इसमें हम लोग को एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है हम लोग को सवाल में, एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दोस्तों, तो यहाँ पे एनजीटी के बारे में बोल रहा है कि एनजीटीबली जो जब बना था ये, तो ये एक एक्ट के थ्रू बना था। जबकि सीपीसीबी जो है वो हमारा कैसे बना था, तो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों को अगले स्टेटमेंट पे जाना चाहिए। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अगला स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है क्या कि जो सीपीसीबी है वो हम लोगों को क्या देता है, क्या यार कसम, अब इसमें जो एनजीटी है तो वो हमारा हम लोगों को क्या प्रोवाइड करवाता है, जस्टिस प्रोवाइड करवाता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और आपका प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस। और हमारा सीपीसीबी जो है वो क्या करता है, पर क्लीननेस को प्रमोट करता है, ठीक है। और क्या करता है, इसका एम है हमारे देश में एयर का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। दोस्तों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया हो ये समझ में आ गया हो। आप एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, उसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग को चेक करना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ए ओनली वन, बी टू ओनली, ठीक है, सी दोनों सही है, और डी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक मिले, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना ज़रूर मिल जाएगा मुझे।